अकरम, बड़ी देर से तेरी राह तक रही हूँ। थोड़ी देर के लिए कमरे में तो आ जा, तू है कि बस यहीं बैठा रहता है। तुझे इतराज़ है मेरे यहाँ बैठने पे? बिल्ला रहा तुझे? हाँ है, आखिर मुझसे गलती क्या हुई है, क्या गुनाह हुआ है? मैं जानना चाहती हूँ इस बेरुखी की वजह, क्यों कर रहा है मेरे साथ ये? अपने गुनाह की सजा खुद सोच, उससे मत पूछ। तो तू मुझे मेरा गुनाह तो बता, सजा भी मैं सोच लूंगी आप ही। सितारा को डांटने की बजाय तूने मुझे डांटा है, मुझसे ज्यादा प्यारी है सितारा। हाँ है, मैंने उसे तेरे सामने इतना तो डांटा है अकरम। जब वो मेरी बेइज्जती कर चुकी थी तब। देख फातिमा, ऐसा नहीं चलेगा। तुझसे शादी करके धसता जा रहा हूं मैं, तेरे नखरे बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। खुदा के लिए अकरम, ऐसी बातें तो ना कर। तुझे जो सजा देनी है दे मुझे। तू कहता है ना सितारा को डांटूं, अभी डांटती हूं और डांट दूंगी उसे। देख ले, अपने वादे से मुकरेगी तो नहीं? आजमा के देख ले। और अगर मुकरी तो? कहा ना नहीं मुकरूंगी, और अगर मुकर गई तो तू सजा बता, हाजिर हूं मैं। सजा भी बताऊंगा वक्त आने पे, अभी नहीं। मगर अकरम, उस वक्त के आने तक मुझे तो सजा मत दे, मैं बीवी हूं तेरी, बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। हाँ सब कुछ दूंगा, मगर इस सजा के बाद। रशीदा दुआ करो इस दफा सरदार सिकंदर ना आजाद बाहू को इलेक्शन में खड़ा करते। तो उससे क्या होगा? किसी की अच्छाई याद रखनी चाहिए। आजाद बाबू ने फातिमा की शादी में क्या किया है हमारे साथ पता है? देखिए जी, आपकी तो आदत है बंदे को ना पहचानने की। अच्छा, मेरा मतलब है आप कह रही हैं कि मुझ में अकल नहीं है, है ना? मैंने ये कब कहा? मैं तो ये कह रही हूँ कि किसी की एक अच्छाई से बंदा अच्छा तो नहीं ना हो जाता। रशीदा, जिसके खमीर में अच्छाई होती है ना, वो अच्छा ही होता है, जैसे आजाद बाबू। वो खून किसका? और दूध का भी असर होता है। वैसे सरदार सिकंदर जो है ना, वो अच्छा आदमी है, बस वो जरा शहजाद ऐसा है। सरदार सिकंदर ने चाहा है तो उसकी जरूरत है ना ये सब करने की। औलाद ना फरमान हो जाए ना तो बंदा फिर ऐसे ही करता है जैसे शहजाद करता है। वैसे भी शहजाद के पास इतनी तालीम नहीं है जितनी आजाद बाबू के पास है। सितारा की भी बातें करता है। क्या कह रहा था वो सितारा के बारे में? कह रहा था उसको पढ़ाना था, उसकी सोच बड़ी अच्छी है, तालीम अच्छी चीज है। क्यों, उसने सितारा से शादी करनी है? रशीदा, औकात में रहकर बात किया करो। उसने ऐसे ही बात की है, और जमीन आसमान भी कभी मिले आपस में। अब्बा, मोहब्बत नगर की जमीन पर भी जमीन और आसमान का मिलाप जरूर देखना। नहीं मिले ना पहले कभी, अब मिलेंगे। बारिश में।